So now I am studying how to be a powerful leader. कैसे पावरफुल लीडर बनना है और उसके बाद कैसे पावरफुल लीडर बनाने हैं। आज के सेशन की जो टैगलाइन है वो ये है, बी अ लैंप, सबसे पहले एक दीपक बने, एंड देन क्रिएट अ चेन ऑफ लैंप, और उसके बाद एक दीप माला बनाए जिससे कि सारा अंधकार नष्ट हो जाए और सबका जीवन रोशन हो जाए। तो टैगलाइन है बी अ लैंप एंड क्रिएट अ चेन ऑफ लैंप, आप एक दीपक बने और दीपक की दीप माला बनाए। यू लर्न टू टीच, आप सीखे सिखाने के लिए, व्हाट इज दैट, यू लर्न टू टीच, आप सीखे सिखाने के लिए, ये आपका सीखते वक्त लक्ष्य होना चाहिए। तो इस सेशन को मैं शुरू करूंगा, विश्व में जब भी कोई कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने एम्प्लॉई को या पब्लिक को मोटिवेट करती है तो हमेशा वो उनके सपनों को लेके शुरू करती है। वो पैसे की बात करती है, वो वेल्थ की बात करती है, मगर मैं हैप्पीनेस की बात करता हूं, मैं खुशियों की बात करता हूं। जीवन में अगर हम सबको कुछ चाहिए ना दोस्तों, तो वो हैप्पीनेस है। छोटा सा शब्द है मगर इसी की सबको जरूरत है। आपको बड़े बड़े करोड़पति मिले होंगे जिनके पास खूब पैसा है मगर वो खुश नहीं। तो अगर मेरा बस चले और मैं यहां से आपको कुछ देना चाहूं और आप उसे ले सकें, तो मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में खुशियां, हैप्पीनेस हो। जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसमें अपने आप सब कुछ आ जाएगा। जब हैप्पीनेस की बात करता हूं मैं, तो मैं आपको जहां से शुरुआत होनी है वहीं से पहले करेक्शन कराता हूं कि जब आप ख्वाब देखेंगे, शुरुआत सपनों से ही होती है। जीवन में सफलता की शुरुआत सपनों से ही होती है। तो जब आपने ख्वाब देखना है, जब आपने सपना भी देखना है, तो सपना देखते वक्त भी आपने एक हाथ में स्वार्थ और एक हाथ में परमार्थ, इसको लेके देखना है। मैं इन दोनों सपनों को लेफ्ट एंड राइट में लिख के बात करूंगा। अगर आप इन दोनों सपनों को एक साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब आपके स्वार्थ वाले सपने पूरे होंगे और उसके साथ जब परमार्थ चलेगा, तो आपके जीवन में खुशियां हिलोरे मारेंगे। You'll be the most happy person on this world. आप सबसे बड़े खुश इंसान होंगे हर जगह से। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ड्रीम से, सपनों से। किससे शुरुआत करेंगे? इंग्लिश में बोलो तो ड्रीम्स, हिंदी में बोलो तो सपने। ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सपने सबसे बड़ी ताकत होती है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर चीज है तो उस चीज का नाम है आपकी सोच। अगर आपने कुछ सोचा नहीं तो वो मिलेगा भी नहीं। जो बिना सोचे मिल जाता है उसे एक्सीडेंट कहते हैं, या कुछ लोग भाग्य कहते हैं या दुर्भाग्य कहते हैं। वरना आपके जीवन में होने वाली ज्यादातर घटनाएं आपकी किसी सोच का नतीजा है। आगरा का ताजमहल सबसे पहले कहां बना? किसी आदमी की सोच में। पहले उसने सोचा कि मुझे ताजमहल बनाना है, तो फिर वो बना। आप शादी करने लगते हैं, पहले आप सोचते हैं मुझे शादी करनी है, तो होती है। किसी भी घटना से पहले सोच का जन्म होता है। सोच कह लीजिए, ड्रीम कह लीजिए, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। आप कैसे सपने देखेंगे, आप किस प्रकार की सोच रखेंगे, ये आपके परसीव्ड सच यानी धारण किए हुए सच से तय होता है। कौवे के घोंसले में गिरा हुआ बाज का बच्चा कभी बाज की उड़ान के बारे में सोच ही नहीं पाता है। अब वो सोचता नहीं है तो वो होता भी नहीं। सर्कस
मैं पला हुआ शेर जंगल का शिकार के बारे में सोच नहीं पाता। जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा होगा नहीं। सोच एक बीज है। जब आप सोचते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो एक बीज का काम करता है, और उसके बाद ये सारा यूनिवर्स आपके सपनों को पूरा करने के लिए साधन जुटाने में लग जाता है। अगर आपके ड्रीम्स बड़े होंगे तो ये यूनिवर्स आपके जीवन में ब्लेज ले आएगा। तो लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है कि आपने ड्रीम्स ना देखे हो और वो पूरे हो जाए। इसलिए सेशन की शुरुआत ड्रीम से ही होगी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों के जब आप ब्लेज में आए थे, क्या सपने थे, क्या ड्रीम्स थे, या किसी एक आम आदमी के, एक मिडिल क्लास फैमिली के क्या सपने होते हैं? एक तरफ मैं लिख रहा हूं स्वार्थ और एक तरफ मैं लिख रहा हूं परमार्थ। पहले मैं इन्हीं सपनों की बात कर लेता हूं। बताइए, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। क्या ड्रीम्स होते हैं एक आम आदमी के? हाँ, सबसे पहला सपना है जी, चलो लोगों ने बोला घर बनाना है और गाड़ी लेनी है। गाड़ी में भी कौन सी? पहले बाइक, बाइक आ जाए तो कार, कार आ जाए तो क्या, फिर से बड़ी कार। उसके बाद क्या सपने होते हैं? बच्चों की पढ़ाई। बिल्कुल ठीक बोला। हर अच्छे माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे बड़े स्कूल्स में पढ़े, बच्चों की अच्छी परवरिश। जब मैं परवरिश की बात करता हूं तो इसमें सब कुछ आ गया, अच्छा स्कूल, अच्छा खाना और जोर से, जो लोग नहीं बता रहे उनके ड्रीम्स नहीं थे क्या? बच्चों की शादी करना, वैसे भी अच्छा ड्रीम है। और विदेश यात्रा, पहले यात्रा तो हो जाए। कई लोग बेचारे यात्राएं नहीं करते, यात्राएं, हवाई जहाज में बैठना लोगों का ख्वाब होता है। मैं हैरान हुआ, मैं उत्तराखंड गया था, वहां पे एक व्यक्ति मुझे बोला, मैंने उससे पूछा तुम्हारा सपना क्या है, कहता मैं ट्रेन में बैठना चाहता हूं। सच बात है, उसने कभी ट्रेन नहीं देखी थी। ये चक्राता की बात है, ऊंचे ऊपर पहाड़ों में मैं गया, वहां एक व्यक्ति से मेरी बात हुई। मैंने कहा, ऐसे ही पूछा, मुझे तब आदत होती थी, हर एक से पूछता था मैं तुम्हारा ड्रीम क्या है, कहता मैं ट्रेन में बैठना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ट्रेन में नहीं बैठे। हवाई यात्रा, यात्राएं, विदेश यात्रा, सुख साधन, नौकर चाकर, जो बहुत अच्छे लोग हैं वो माँ बाप को तीर्थ कराना चाहते हैं। यहां पे मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जिससे मैं खुद बड़ी प्रेरणा पाया हूं, कुश बैठा है, जो अपने मम्मी को तीर्थ कराता है। आप सबको पता ही होगा, कई लोगों का ये भी ख्वाब होता है। ये आपके ड्रीम्स हैं जो जनरली हम अपने अराउंड देखते हैं। परमार्थ का मतलब क्या होता है? आप इसे कह सकते हैं इंसानियत। जब आप निष्कामी होके दूसरों के लिए कोई ख्वाब देखते हैं, देश के लिए कोई ख्वाब देखते हैं, ये ख्वाब क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हमारे देश में क्या क्या समस्याएं हैं। मैं और कुछ ना मांगू, ये दुआ मांग सकता हूं, हमें भगवान देश से गरीबी हटाना मांग सकता हूं, बच्चों को शिक्षित करना, छोटे बच्चे को एजुकेशन मिले। एजुकेशन का, शिक्षा का हमारे देश में आज भी परेशानी है, ये हमारे देश की समस्याएं हैं। गरीबी, शिक्षा, आपका भी योगदान चाह रहा हूं मैं। वातावरण आज सबसे बड़ी समस्या है, वातावरण, पर्यावरण, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी ये बताया, मेरे को पर्यावरण शब्द नहीं याद आ रहा था। बेरोजगारी, पर्यावरण में भी क्या क्या,
किस किस की आवश्यकता है आज पर्यावरण में? पेड़ लगाने की जरूरत है, पानी की समस्या है। आज आपको पता नहीं, अंदाजा है नहीं है, वैसे तो सबको ही होगा, भारत वर्ष आने वाले वक्त में पानी की बहुत बड़ी किल्लत से जूझने वाला। हम लोगों ने तालाब खत्म कर दिए, हम लोगों ने जमीन का पानी खत्म कर दिया, नहरें सुखा दी, नदियों के रस्तों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। आज पानी की भारी किल्लत से हम लोग जूझ रहे हैं। काफी सारे भारत के शहर हैं जिनके ग्राउंड वाटर खत्म हो चुके हैं, यानी नीचे से पानी मिलता ही नहीं है। तो पानी एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। मुझे पता नहीं आप प्रदूषण के बारे में कितना जानते हैं, मैं थोड़ा सा प्रदूषण के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये मौका है तो बताना चाहिए। आपके जो फेफड़े हैं ये फिल्टर जैसा काम करते हैं। आप YouTube पे कभी कुछ वीडियो देखिएगा कि सिगरेट का फेफड़ों पे यानी हमारे लंग्स पे क्या असर होता है, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं रुई लगा के और सिगरेट चला के और हवा निकाल के दिखाते हैं, रुई पूरी काली हो जाती है। देखा आपने, अगर उस फेफड़े को काटा जाए हमारे तो वो काले निकलेंगे अंदर से, उनपे कार्बन जमा मिलेगा आपको। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पीते नहीं है, लेकिन इस प्रदूषण की वजह से आप जो सांस ले रहे हैं वो सारा प्रदूषण हमारे फेफड़ों पे जाके चिपक रहा है, जिससे अभी पता नहीं चल रहा है पर आने वाले वक्त में पता चलेगा। अचानक आप देखेंगे भारतवर्ष में दमा की और इस तरह की सांस की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम लोग अनदेखा कर रहे हैं, और ये तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम सब लोग मिलकर यूनाइटेड कदम नहीं उठाएंगे। जिसमें एक वर्ड होता है कार्बन फुट, कार्बन फुटप्रिंट। इस प्रदूषण में किसका योगदान है, कौन कर रहा है ये? इस प्रदूषण में हम सबका योगदान है। हम एनवायरमेंट में कितना प्रदूषण भेज रहे हैं प्रति व्यक्ति, उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। आप एक बार गूगल पे चेक करना, तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा आपकी वजह से कितना प्रदूषण ऊपर जाता है। आपकी कोई भी एक्टिविटी की वजह से, आप कार चला रहे हैं उससे, आप खाना बना रहे हैं उससे, आप सांस ले रहे हैं उससे, आप सब्जियां खा रहे हैं उससे, हर चीज का उसमें कंट्रीब्यूशन आता है। तो उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि अगर आपने एक लैंप एक घंटा फालतू चलाया तो उसकी वजह से आपने एक गंदी हवा ऊपर कितनी देर के लिए भेजी, वो भी कैलकुलेशन आती है। यानी आप वो लैंप जला के अपना ही दम घोटने का इंतजाम कर रहे हैं। तो हमारा बीइंग ए भारतीय नागरिक होने के फर्ज है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कम से कम करें। जैसे जहां पे स्कूटर या कार से नहीं जाना, साइकिल से चलें, स्वास्थ्य बढ़ेगा। फिलहाल मैं अभी समस्याएं लिख रहा हूं, आप सोचना कि आप इसमें परमार्थ कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आता हूं उसके ऊपर भी एक मिनट, पहले पर्यावरण की बातें लिख लो। प्लास्टिक का यूज, इसके बारे में जानो जरूर, इनके क्या खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। अब किसी मेरे मित्र ने बोला है ब्लड डोनेशन कैंप, बिल्कुल सही बोला है, इसकी बहुत भारी जरूरत है भारत में। ब्लड डोनेशन, वृद्धाश्रम, बेरोजगारी, भ्रष्टता, रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर, बिल्कुल करप्शन को मैंने भ्रष्टता लिख दिया है। साफ सफाई, मिलावटी खाना, मिलावटी सब कुछ है, हवा खराब, खाना खराब, पानी खराब, पानी में सारा पेस्टिसाइड घुल गया, जहर वाला पानी है, और बंजर होती जमीन है वही रासायनिक खाद आ गया, पेस्टिसाइड।
वन्य प्राणी पर्यावरण का हिस्सा हो गया, यहां लिख देता हूं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बढ़ती बीमारियां, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता किसी को, गरीबी का हिस्सा है। वैसे आपने बात बड़ी अच्छी बोली है जिसने भी ये बोली है, ये सच है कि आज बच्चे जो हैं स्पेशली मोबाइल में ऐसा खो गए हैं, उन्होंने कम्युनिकेशन भूल गए हैं, लोगों से बात करनी भूल गए हैं, बाहर जाके खेलना भूल गए हैं, और चार दोस्त साथ बैठ के मोबाइल पे मैसेज पढ़ते रहते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं, इसने हमें गिरफ्त में लिया हुआ है। मोबाइल भी एक खराब चीज है, तो मैं इसको भी लिखूंगा। यातायात नियमों की अज्ञानता, शिष्टाचार, सिविक सेंस। देखिए मुझे ना बड़ी खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, मैं इसीलिए लिखता जा रहा था ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि आपके स्वार्थ के सपने कम है लेकिन परमार्थ के सपनों में बहुत जगह है। और कमाल की बात देखिए कि परमार्थ के लिए आपको मैंने बोला था क्या करना होगा, तीन चीजें देनी आपको, तन मन और धन का 10%। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये जो अगर हमें परमार्थ वाली साइड सॉल्व करनी है तो अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप दे सकते हैं वो तन है। तन मतलब अपना वक्त, सिर्फ 10% वक्त। और उस वक्त में आपने देना क्या है, एक भाई बहुत देर से बोल रहा था और उसने एक बात बोली थी, जागरूकता अभियान। कौन है वो व्यक्ति, प्लीज खड़े हो जाइए। वेरी गुड, आप आगे आइए, आपको सम्मानित करना चाहता हूं। इनको मैं ये सम्मान इसलिए दे रहा हूं कि मैं प्रॉब्लम लिख रहा था, एक व्यक्ति सॉल्यूशन चला रहा था और वो ये था। मैं सुन रहा था, वेरी गुड। तो जब खाब देखना है ना तो खाली स्वार्थ का खाब मत देखिए, साथ में परमार्थ का भी देखिए। ये जितनी भी समस्याएं हैं इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, और इसमें से 90% समस्याओं का समाधान उनके जागृति में छिपा है। ये मेरी एक फेमस कोटेशन भी है, मैं अक्सर बोलता रहता हूं, 90% प्रॉब्लम का सलूशन उनकी अवेयरनेस में छुपा है। जब इन बातों के कारण लोगों तक पहुंचेंगे, इनके दुष्प्रभाव लोगों तक पहुंचेंगे, जब जिम्मेदारी का एहसास लोगों तक पहुंचेगा, तो यही लोग जिन्होंने समस्या पैदा की है वही लोग इसको ध्वस्त भी करेंगे। तो जागरूकता अभियान का मतलब होता है पहले इन समस्याओं को पहचाने और फिर उसके ऊपर अवेयरनेस लाए, जागरूकता लाए। जैसे आज हमने एक कार्यक्रम किया और आज एक समस्या के लिए हमने 10% का वक्त देकर आपको जागरूकता दी। जो आज आपने सुबह समझा या सीखा, क्या इन बातों का आपको आइडिया था? मुझे पता चला कि लगभग 125 लोग आप में से आगे आए जो समस्या का समाधान करने के लिए अपने हाथ बढ़ाया जिन्होंने, सिर्फ एक प्रोग्राम में। और हमें तो ये पता है कि अगर तीन 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 लोगों को समझाएंगे तो कितनी जल्दी भारत में समाधान हो जाएगा। आपके पास जो प्रभु ने पावर दी है, जो कला दी है, वो नेटवर्किंग की कला दी है। जितनी जल्दी आप देश को बदल सकते हैं, जितना बड़ा योगदान ग्लेज देश को बदलने में दे सकती है, इतना कोई नहीं दे सकता। इसलिए आज से मैंने भी पहले आपको खाली यही वाले ख्वाब दिखाए थे, लेकिन हर आदमी बदलता है, हर आदमी बड़ा होता है। मुझे आज इस उम्र में आके समझ में आया कि खाली इस ख्वाब से काम नहीं चलेगा, खाली इस काम से काम नहीं चलेगा, खाब दोनों देखने होंगे, एक स्वार्थ का और एक परमार्थ का। मेरा प्रश्न ही है आपसे, अगला प्रश्न आपसे ही है,
ये जो परमार्थ का खाब है ना, इसमें भी स्वार्थ है। मेरा प्रश्न आपसे है कि मैं इस खाब पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्यों हमें स्वार्थ के साथ परमार्थ का खाब भी देखना चाहिए। मैंने आपसे बोला कि परमार्थ में भी हमारा स्वार्थ है। आप देखिए, आपने अपने खाब पूरे करे, गाड़ी ले ली, आपने घर ले लिया, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अच्छे स्कूल में डाल दिया, बच्चों की शादी के लिए अच्छा लड़का मिल गया, लेकिन उस समाज का क्या करेंगे जिसमें आप रहते हैं, जहां पीने को शुद्ध पानी नहीं है, जहां मिलावटी सब्जियां हैं, जहां भ्रष्टता इतनी है कि बच्चे को स्कूल डालने गए हैं तो उसके लिए आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, बच्चे को नौकरी चाहिए तो वहां रिश्वत मांगी जा रही है, वो बाहर हवा में सांस लेने जा रहा है तो मुंह पे पट्टी डाल के जा रहा है। जब परमार्थ सुधरेगा तो आपको सच्चा सुख मिलेगा। आपके सपनों से मिलने वाला सुख तब तक सच्चा सुख नहीं होगा जब तक यहां सब ठीक नहीं होगा। जब शुद्ध हवा होगी, आप अपने घर में सब सुविधाएं ले लेंगे, सड़क पे जाके सुविधाओं का क्या करोगे? घर में एसी लगा लेंगे, घर में वाटर प्यूरिफायर लगा लेंगे, घर में आप एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे, लेकिन क्या सड़क पे नहीं निकलेंगे? सड़क पे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? सांस लेंगे कि नहीं लेंगे? जिन फसलों पे दबा के पेस्टिसाइड डाला जाता है कि आज पूरी ट्रेन की ट्रेन कैंसर के पेशेंट की जाती है, उसका क्या करेंगे? क्या गारंटी है कि आपके परिवार वालों को उससे नुकसान नहीं होगा? तो इस परमार्थ में भी हमारा स्वार्थ है। देखिए, समस्याएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन लीडर वो होता है जो आगे बढ़ के कहता है कि ये समस्याएं हम सॉल्व करें। तो मैं ग्लेस के लीडर से ये उम्मीद करता हूं, कि हमें एक हाथ में स्वार्थ और एक हाथ में परमार्थ, ये रख के काम करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है उस विधाता से, उस भगवान से, कि वो हमारे इस प्रण को, इस संकल्प को सम्मानित करेगा और एक एक व्यक्ति को उसके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट है, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज कोई है तो वो सोच है, और सोच वो बीज है जो हकीकत बनाता है। तो शुरुआत यहीं से क्यों ना की जाए, क्यों ना ऐसा भारत सोचा जाए कि जहां ये सब रोग मुक्त हो, अपनी सोच में इसका बीज क्यों ना डाला जाए कि इन सब बीमारियों से हमारा भारत मुक्त हो, और उस भारत में मैं ये सपने देखूं, उस भारत में मेरे ये ख्वाब पूरे हों। आज से हम ये ख्वाब देखें। अब सवाल आता है कि इस तरह के ख्वाब पूरे करने के लिए जो दीपक जलेगा, जो लीडर चाहिए, जो रोशनी फैलाएंगे, दीपक से एक और दीपक चलेगा, उसके आगे एक और दीपक चलेगा, और फिर एक दीप माला बनेगी जो इस अंधकार को मिटाएगी और ऐसे सपने लोगों के पूरे, अपने भी पूरे करेगी और लोगों के भी पूरे कराएगी। वो लीडर कैसा होता है, अब उसकी मैं बात करूं। उस लीडर के अंदर क्या गुण होते हैं जो इस सपने को पूरा करेगा, उसकी बात अब मैं शुरू करने लगता हूं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। थैंक यू वेरी मच।